Hey everyone, how are you? I hope you all are fine and doing great. Myself Abhishek Sanu and welcome to my channel. So guys, after a long time मैं यहाँ पर decide किया है कि अभी मैं नीट का form भर दूँ. Actually क्या हुआ ना कि बहुत दिनों सोच रहा था नीट का form भर दूँ और नीट के form आए हुए 10 दिन से ज़्यादा हो गए but अभी तक मैंने form भरा नहीं है. और बहुत सारे ऐसे रील्स देखते हो आप जिसमें बोलते हैं कि आप पहले नीट का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पहली रैंक मिल सकती है. ऐसा एक बीएम सर का वीडियो देख रहा था, एलएन के हैं वो, ऐसा बोल रहे थे. मुझे तो डर लग गया था, मैंने इतनी प्रिपरेशन करी है और अभी अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मतलब मैं लेट फॉर्म भर रहा हूँ तो कोई ऐसा ना हो कि मेरी नीट की रैंक पीछे चली जाए. सो जोक्स अपार्ट, अभी मैंने डिसाइड किया यहाँ पे कि फॉर्म भरना स्टार्ट कर देते हैं. बीइंग ए नीट एस्पिरेंट आपको पता ही होगा हमारे पास कितना कम टाइम होता है. सो मैंने सोचा अगर मैं इतने सारे काम खुद से कर सकता हूँ तो नहीं, नीट की फॉर्म कौन सी बड़ी चीज़ है. सो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे इसको खुद से भरना स्टार्ट करूँ और खुद से ही फॉर्म फिल कर लूँ. इससे क्या होगा, हमारे पैसे भी बच जाएंगे और हमारा टाइम भी बहुत सारा बच जाएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम का है, मैं बाहर नहीं जा सकता, बाहर इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकता. सो मैं रेडी हुआ हूँ, खुद से फोटो क्लिक कराया या खुद से उसका बैकग्राउंड रिमूव किया, उस पर खुद से नाम अटैच किया है, खुद से मैंने उस पर पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड साइज, जो भी उसके क्राइटेरिया हो उसको फुलफिल किया है. और अब भी यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट स्टेप जो कंप्लीट कर लिया है, जो कि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम हो रही थी कि उसका कभी आधार ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसको रजिस्टर किया पैन कार्ड नंबर से और पैन कार्ड से भी ओटीपी जाना है आधार वाले नंबर पे ही. बट ओटीपी आ गई थी फाइनली, हमें डर लग गया था. बट अभी तक देखो मेरे फ़ोन नंबर पर ओटीपी तो आई नहीं है, मैसेज भी नहीं आया है. मैं जीमेल से ट्राई कर रहा था और वहाँ पे जीमेल पे ओटीपी आई थी. अगर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो या कर सकते हो तो आप जीमेल पर ट्राई कर देना, जीमेल पे कई बार आ जाती है ऐसी चीज़ें. तो पर्सनल कुछ शेयर करूँगा नहीं. देख लो, पहले मैंने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, बाकी एप्लीकेशन और यहाँ फी पेमेंट करनी है हमें यहाँ पे. ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो चुका है, सेकेंड स्टेप लेट्स कंटिन्यू. अभी मैं जा रहा हूँ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए. आई थिंक उसमें मुझे बहुत सारी डिटेल्स मांगी जाएगी यहाँ पे. एप्लीकेशन फॉर्म पे कंप्लीट यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक न्यू पेज खुल रहा है. मतलब गाइस, आप अगर नीट का फॉर्म भर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं लगा कि हर साल वही नीट का फॉर्म भर रहे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर से वही बार, मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा है यार. मतलब क्या बताऊँ, मुझे छुपाना पड़ रहा है मुझे ऐसा करके कि मतलब फिर से वही फॉर्म भर रहा हूँ मैं. कभी तो कॉलेज का फॉर्म भरने का ऑप्शन दो यार, एक कॉलेज का एग्जाम एग्जाम मुझे क्या कर रहा हूँ मैं. कोई ना गाइस, बी पॉजिटिव, कम से कम हमें मौका तो मिल रहा है फॉर्म भरने का. बहुत सारे लोग तो क्या ही कर रहे हैं पता ही नहीं आपको. अच्छी बात यह है कि हम फॉर्म यहाँ पे भर रहे हैं, चलो ठीक है. अभी इसमें बोल रहा है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में. उसमें मैं पापा का नंबर डाल देता हूँ इसमें, और तो इसमें मुझे कुछ नहीं दिख रहा. रजिस्ट्रेशन ओके, सब कुछ ओके ओके. मुझे ये कैप्चा का समझ नहीं आता, बार बार इसको रिफ्रेश करके डालना हो रहा है हमें. एक बार डालो फिर गलत, दूसरी बार डालो फिर गलत. ओके, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करता हूँ. देखो फिर से कैप्चा गलत, इसका क्या ही करूँ मैं. 3986066 ओके. आई एग्री पे क्लिक करता हूँ एंड सेव एंड नेक्स्ट. अरे क्लिक भी नहीं हो रहा है, क्लिक भी नहीं हो रहा. मैं चाह रहा हूँ इसको, अच्छा इमरजेंसी अभी मेल मांग रहा है. बताओ यार, अब मैं इमरजेंसी मेल कहाँ से बनाऊँ बताओ. किसी के पास एम्बुलेंस का होगा, डाल देना इसमें जरा. क्या था मेरा मेल, मैं तो मेल ही भूल गया भाई. सही है ओके, सही है ओके. नेक्स्ट ओके, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली. एंड देन आफ्टर हम आते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये मांग के रखेंगे अपने पास. सबसे पहले पूछ रहा है हमें, आपने ट्वेल्थ कहाँ से किया था. ट्वेल्थ मैं कहाँ से कर सकता हूँ, अपने स्टेट से किया है. जनरल ओबीसी एनसीएल ओके, ओबीसी एनसीएल. डायबिटीज नो, मुझे कहाँ से डायबिटीज होगी. कहाँ पर रहता हूँ मैं, रूरल या अर्बन बताओ. मैं कहाँ रहता हूँ, रूरल रहता हूँ मैं. वार्षिक मेरी आय कितनी है यार, मुझे खुद नहीं पता है आय कितनी है. 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख कमाता हूँ, बहुत गरीब हूँ मैं तो. माइनॉरिटी नो नो नो. अरे सेल्फ स्टडी करी है मैंने, ये बढ़िया लगा मुझे. कंट्री कौन सी डालनी है, ऑब्वियसली भारत देश महान. आई एम फ्रॉम इंडिया ओके ओके, इंडिया, यस इंडिया डाल दिया. नेक्स्ट इज डू यू इंटेंड टू वियर कस्टमरी ड्रेसेस. नो नो नो, ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं. बिल्कुल सही बात है, मैं कैसे कर सकता हूँ. नीट के खिलाफ नहीं जाना भाई, नीट के खिलाफ नहीं जाना, कभी एंट के खिलाफ मत जाना. चलो ठीक है, ये भी हो गया, आई एग्री. इस बार कैप्चा वाले झंझट नहीं लगाया, बट यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक नहीं हो रहा. एक बार में एक बार हिंदी पढ़ो, एक बार इंग्लिश पढ़ो, समझ गए गाइस. आप पूछ रहे पीडब्ल्यूडी. नो, मुझे कहाँ हूँ फिजिकली हैंडीकैप्ट, होता तो मान भी लेता चलो, बट कोई ना. 141026 ओके. दिस विल बी डन. अब आई नो कि ये फिर से एक बार टिक मरवाएगा मुझे. ये भी हो गया, चलो पीडब्ल्यूडी भी डिटेल्स सेव हो गई. अब बात कर रहे हैं हमें यहाँ पे ओके, इंग्लिश मीडियम में देनी है, हिंदी मीडियम में देनी है, इंग्लिश मीडियम में
परीक्षा राज्य का पहला ऑप्शन ओके बिहार। OMG गाइस, ये चीज आपने देखा कि जो स्टेट में आप रह रहे हो उसी स्टेट के। सो यहाँ पे एक नई चीज देखने को मिल रही है कि जो हम ऑप्शन आते हैं ना एग्जाम स्टेट की चॉइस, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा होम टाउन हो सकता है या फिर हम जहाँ रह रहे हैं ना वहीं एग्जाम दे सकते हैं। सो आप एड्रेस भरते समय जो है ना ऐसा कर सकते हो कि आप जहाँ हो ना वहाँ का एड्रेस भरो। सो मैंने तो अपने घर का बढ़ाया है, सो मेरा ऑप्शन आ रहा है कि बिहार का ही ऑप्शन आ रहा है, ऐसा है। ठीक है, फर्स्ट सिटी सर्च करते हैं। तो सबसे पास हमारा पड़ता है सुपौल, सो उसको प्रेफरेंस डालेंगे। सेकेंड सिटी, अरे फिर से सेकेंड सिटी, सेकेंड स्टेट। भाई जब बिहार ही एक ही ऑप्शन ही दे रखा है तो तुम क्या बार बार एक ही चीज पूछ रहे हो मेरे से। ओके, सेकेंड नियरेस्ट सिटी। ओके, सो यहाँ से अब हमें मांगा जा रहा है एजुकेशनल डिटेल्स। सो 10th का रोल नंबर कैसे भूल सकते हैं यार, इतने दिनों से इसको ही तो रटा है। और टोटल मार्क्स मेरे 451। अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ जाएगा गाइस, मैं क्या कर सकता हूँ, लिख देता हूँ इसे क्या कैलकुलेट करना। ओके, तो ओफ उल्टा लिख दिया, टोटल मार्क्स 500 और 10 for 51। ओके, परसेंटेज निकल के आ गई। ओके, उसके बाद देखो 11th, नो 11th भरना ही नहीं है ना, 11th क्यों भरूँ मैं भाई, मैं तो 11th पास हूँ। तो 11th पास्ट है, हमने कब पास किया था हमने, 2021 में। अब देखो क्वालिफाइंग कोड क्या लगाना है गाइस, 2 लगाना है और कुछ नहीं लगाना। ओ ये थोड़ी सी इशू आ गई गाइस, ये थोड़ी सी इशू आ गई। कोड कल तक मेरा 2 था, बट आज मेरा कोड कुछ बदल जाएगा क्योंकि इन 2-4 दिनों में कुछ ऐसा हुआ है कि मेरा कोड बदल सकता है। मुझे देखना पड़ेगा मुझे कौन सा कोड लगाना पड़ेगा। सो किसका वीडियो देखूँ मैं, रुको। यहाँ पे मैंने सबमिट किया, बट बार बार मेरे से पूछ रहे थे 11th का बताओ, 11th का बताओ। तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है नॉट अप्लीकेबल करके, सो उस पर मैंने क्लिक कर दिया। सो अब मुझसे वो चीज़ें नहीं पूछ रहा है। ओके, ये 12th में ये क्या छूट गया। ओके, जिला पूछ रहा है, स्कूल बोर्ड, यस बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, SEB। ओके, एवरीथिंग इज डन। ओके, क्वालिफिकेशन डिटेल्स सेव सक्सेसफुली। अब बोल रहा है कि ट्विंस, नो आई एम नॉट ट्विंस, नीट में पहले हुए हो। अब पूछ रहा है कितने अटेम्प्ट लगे हैं, क्यों बेइज्जती कराने में लग रहे हो भाई, वेरिफिकेशन कोड डालो। आप लोग कमेंट करके बताना मैंने कितने अटेम्प्ट दिए हैं अभी तक, मैं देखता हूँ कितनों को पता है। आई थिंक 99% लोगों को पता नहीं होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। डाटा सेव हो गया, अब इन्हें चाहिए फोटो सिग्नेचर पोस्ट कार्ड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। ओके, अब प्रॉब्लम यही है गाइस, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो फाइनली अभी जो हमारा फाइनल सबमिट हो चुका है, अभी देखो यहाँ पे क्या क्या करना पड़ रहा है हमें। यहाँ पे 10 उंगली के फिंगरप्रिंट देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे ऐसे सब रंगीले रंगीले हो गए हैं। हमारा फाइनल सबमिट सक्सेसफुल हो चुका है। सो जो है हमारा अभी तक जो है सब कुछ काम हो चुका है, लगभग 10-15 मिनट से ज़्यादा ही लग रहे हैं, जो कि फेल हो रहा है बार बार। सो फिर से मैंने सबमिट किया और जाके फाइनली सबमिट हो गया है। वो लास्ट ऐसे बच रहा है और काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि पेमेंट कई बार फंस जाती है। सो हमारा यहाँ पे 1600 पे करना है। सो पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे 4 बैंक का ऑप्शन आ रहा है, इनमें से मेरे पास कोई भी बैंक नहीं है। आई थिंक ICICI मामा के बैंक से कर रहा हूँ। आई थिंक एक बार फ़ोन करके उनको पूछना पड़ेगा कि उनके पास ऑप्शन है या नहीं। सो देखो बिंग स्टूडेंट ये है ना कि आपको SBI में तो अकाउंट रखना ही चाहिए क्योंकि वो हर जगह अप्लीकेबल है। अगर SBI में अकाउंट नहीं बनाया तो बना लेना, मेरा अकाउंट है बट वो अकाउंट फ्रीज हो चुका है, सो उससे मैं पेमेंट कर नहीं पा रहा हूँ। सो अभी एक ही ऑप्शन बच रहा है, सो वो ऑप्शन अभी सिलेक्ट करते हैं, जो ICICI बैंक का। सो गाइज फाइनली हमारा पेमेंट भी सक्सेसफुल हो चुका है और ऑफिशियली हम नीट का फॉर्म भर चुके हैं।